देवरिया हत्याकांड के बाद से पूरे प्रदेश में सन्नाटा सा छा गया है। हर कोई आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है, तो वहीं पुलिस भी बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी में जोर शोर से जुटी है। लेकिन अब प्रशासन बुलडोजर एक्शन मूड में है, क्योंकि राजस्व विभाग की टीम मृतक प्रेमचंद यादव के घर पैमाइश करने गयी थी, जिसको लेकर बुलडोजर एक्शन की चर्चा अब जोरों पर है। जिसके बाद प्रेमचंद यादव की पत्नी का भी बयान सामने आया है। पहले तो जान लीजिए प्रेमचंद यादव है कौन। दरअसल देवरिया हत्याकांड की शुरुआत प्रेमचंद यादव से हुई थी। प्रेमचंद यादव ही पहले मृतक सत्य प्रकाश दुबे के घर गए थे, जहां बहस होने के बाद उनकी हत्या हो गई थी। जिसके बाद बदला लेने के लिए उनके परिजनों ने सत्य प्रकाश समेत उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। मृतक प्रेमचंद यादव की पत्नी शीला यादव का एक बयान सामने आया है, जिसमें शीला यादव ने कहा, पहले इस बात की जांच हो कि मेरे पति की मौत कैसे हुई, जांच में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही शीला यादव ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि हमारे परिवार के लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, हम चाहते हैं कि उन्हें छोड़ दें ताकि मैं अपने पति की अंतिम क्रिया क्रम कर सकूं। वहीं बुलडोजर कार्रवाई होने पर शीला यादव बोली, ये घर हमारी सास के नाम पर है, आप चाहें तो कचहरी में जाकर पता कर सकते हैं। शीला यादव ने कहा, जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम अपने घर को गिरने नहीं देंगे। गांव के जो लोग मौके पर थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। इस तरह से मामले को लेकर प्रेमचंद यादव की पत्नी पहले जांच की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्य प्रकाश की बेटी शोभना ने शीला के पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। लेकिन मामले पर पुलिस प्रशासन कैसे कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।